पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। हेलो गाइस, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू द गेमिंग कैसेट। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ रियलिस्टिक एनिमेशन मॉड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वर्जन 1.19+, जिसमें है प्लेयर्स के साथ साथ मॉब्स के भी एनिमेशन। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉस्मोक्राफ्ट का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं भेजता हूँ डायरेक्ट मीडिया फायर के लिंक्स, और इस वीडियो में मैंने लिंक दी है क्लिकिफाई की। अगर ओपन करने नहीं आती तो आने वाली क्लिप देख लीजिए। सो क्लिकिफाई की लिंक ओपन कैसे करें? सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, मैंने जो की लिंक दी हुई है उसको आपको कॉपी करना है और क्रोम में जाके पेस्ट कर देना है। आपको एक टाइमर आ जाएगा, वो एड स्किप कर देना, 3-4 सेकंड्स का फिर से एक टाइमर आ जाएगा। नीचे आ जाओ, ओपन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, फिर से आपको एक पेज आ जाएगा, उस पर भी टाइमर हो सकता है। फिर से आपको 3 सेकंड के बाद आपको नीचे जाना है, ओपन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको एक पॉपअप आ जाएगा, उसको स्किप कर देना, मतलब कट कर देना। फिर से आपको गेट लिंक का ऑप्शन आने में 3-4 सेकंड लग सकते, तो 3-4 सेकंड होने के बाद आपको गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप उस पर दबाओगे, आप आपके मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां से आप मॉड या फिर एड ऑन डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको करना है दोनों फाइल्स को रीनेम, और रीनेम करने के बाद उनको सिर्फ एमसी पैक तक ही रख देना है। उनके आगे का .zip हटाकर उनको माइनक्राफ्ट से ओपन कर देना है कुछ ऐसे। सो गाइज, इसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगी। माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको करना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड, सर्वाइवल खेलो या क्रिएटिव, आपकी मर्जी। इसके बाद आपको जाना है रिसोर्सेज पैक में, आपको दोनों मॉड एक्टिव कर देने और आपको वर्ल्ड आपका कर देना है क्रिएट। सो गाइज, हम आ गए हमारी गेम में, और आते ही आपने देखा होगा कि कैसे ये आलस मार रहा था, तो चलो हम अभी उड़ी मारते हैं। और ये देखो गाइज, इसका जंप का एनिमेशन भी बदल दिया गया है, और अभी ये लग रहा है पूरा का पूरा रियलिस्टिक। तो गाइज ये देखिए, इसका चलने ढलने का पूरा स्टाइल अभी भी चेंज हो गया। और ये देखो भाई, घुसा मारने के बाद कैसा ब्रूसली बन गया था ये। ओ भाई, ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया अभी तो। ये एनिमेशन तो यार मैं खेलूंगा, मेरे को तो बहुत पसंद आया। और इसमें गाइज प्लेयर नहीं बल्कि मॉब के भी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो भाई, ये कैसा उड़ रहा है, मतलब रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने तो इसको एलेट्रा पहना दिया है, बट नहीं, विदाउट एलेट्रा इसका ऐसा एनिमेशन है, तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखो गाइस, पानी में भी ये स्विमिंग कर देता है, मतलब स्विमिंग वाला पूरा का पूरा जो कि पोजिशन होता है वो ये कर लेता है। ये देखो गाइस, ये देखो स्विमिंग वाला पूरा का पूरा एनिमेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा एडिशन मेरे को अच्छा लगा इसका। क्योंकि यार पहले स्विमिंग में तो यार ऐसे ही चलता था भाई, जैसे कि कुछ इसको पानी में गया नहीं गया फीलिंग ही नहीं आती थी। बट अभी इसका स्विमिंग का भी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा ये मॉड डाउनलोड करने के बाद। तो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आपको भी आई होप कि पसंद ज़रूर आएगा। चलो गाइस, हम अभी दूसरा भी देख लेते हैं, तब तक यार एक सेकंड मेरे को पानी से बाहर आने दो। ये भाई ये क्या उड़ी मार रहा है भाई, ये तो मेरे को वो वाला एनिमेशन चाहिए था। चलो यार वो तो जाने दो, आपने देख ही लिया होगा वो तो। चलो हम अभी उड़ते हैं थोड़ा। उड़ने का भी एनिमेशन यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, पूरा कवर स्मूथ है, FPS भी लैग नहीं करता इसके बाद। और ये देखो भाई, ये देखो फ्रंट से तो यार बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और जैसे आपने ड्रॉप किया ना, वो आपने देखा होगा कि एनिमेशन कैसा लग रहा था, ऐसा सुपरमैन की तरह नीचे उतरता है, जैसे कि कोई यार सुपर हीरो हो। तो ये देखो गाइज, ये गाय है, गाय का भी एनिमेशन आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि उसका पैर देखो गाइज, ये चलते वक्त गाय का पैर भी यार एनिमेट होता है। और पहले गाय नॉर्मल ऐसे वॉकिंग चल रही थी, इसके बाद इसका पैर भी मूव करता है। और ये देखो गाइज, क्रीपर के बीच पैर का मतलब चलने का एनिमेशन बनाया गया है। पहले क्रीपर यार नॉर्मल से ऐसा लग रहा था कि 2D एनिमेशन में चलता ही जाता था, कुछ पैर का एनिमेशन वगैरह नहीं, बट इस बार पैर का भी एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, और गाय का भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो जैसे ही गाय चलेगी आपको पैर का एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस, ज़ॉम्बी विलेजर को स्पॉन करते हैं। और ये देखो भाई, ये लंगड़ा भूत कैसा चल रहा है भाई, पूरा का पूरा भाई कॉमेडी लग रहा है ये। और ये भी हस्क भी यार बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है, जो कि आपने देखा होगा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जैसे ज़ॉम्बीज चलते हैं, वैसे भाई ये हस्क भी चलता है। ये देखो भाई, भिखारी की औलाद कैसे चल रहा है भाई, ये देखो पूरा लंगड़ा बन गया भाई ये लंगड़ा भूत। मेरे को तो यार ये वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि यार ये रियलिस्टिक इतना है कि भाई आप भी समझ पाओगे कि आपको लग रहा है कि एनिमेशन बनाया। और ये गाइस, ये डॉग का भी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा चेंज, क्योंकि डॉग इस बार हिलाता है उसकी पूंछ, जो कि यार रियल डॉग की तरह है। आप देख पाओगे कि ये देखो भाई, हम जाते थोड़ा डॉग के पास, और ये लो फ्लैश है हमारे पास। ये देखो गाइस, डॉग का पूंछ देखो गाइस कैसा हिलता है, ये भी यार बहुत ही है। और इसमें कैट का भी एनिमेशन है, मतलब मैं सारे के सारे नहीं दिखा सकता, बट जितने भी मॉब्स है जो कि यार मेन मॉब्स होते हैं, जो छोटे मोटे मॉब्स का नहीं है, बट जो कि मेन मेन बड़े बड़े मॉब्स है उनका पूरा का पूरा एनिमेशन चेंज दिया गया है।
तो यार ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरे को तो यार खासकर उड़ने का एनिमेशन और स्विमिंग का एनिमेशन तो यार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पिक का भी ये अच्छा खासा, मतलब पिक का भी चलने का अंदाज कुछ बदल गया है। और विलेजर का भी यार बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि वो हाथ ऐसा हिलाता ही नहीं था, इसके बाद विलेजर हाथ भी हिलाएगा ट्रेड करने के बाद, मतलब ऐसा ऊहू करने के जैसा जो करते हैं ना हम लोग, वैसा विलेजर का भी एनिमेशन बनाया गया है। तो यार ये भी बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी बात है। और ये देखो भाई पिक का तो यार क्या ही बताओ मैं, पिक तो कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। और जैसे हम क्राउच करते हैं, ये देखो भाई क्राउच के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई ये घुटने पर चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। ये तो मस्त लग रहा है, मैंने भी नहीं देखा था ये पहले वीडियो बनाने से, अभी देखा मैंने। तो लेफ्ट राइट का भी एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। ओके ओवरऑल यार इस मॉड को 10 out of 10 देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रख देना ताकि आपको मिले नए वीडियोस की अपडेट्स। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ड्रैगन बॉल जी का वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, आपको देखना है बेन 10 तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वरना आपको यार मस्त वाली प्लेलिस्ट देखनी है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।